लेकिन शिकार पे निकला है। तो मैं ढाल हूं, हूं पुण्य पाप से परे। दोस्तों, जहां एक तरफ इस साल रिलीज होने वाली बिग बजट फिल्में गदर 2, ओ माय गॉड 2 और जवान ने इंडियन सिनेमा के बड़े बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए और ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही, तो वहीं दोस्तों अब मीडियम बजट फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने आ चुकी है और आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है फुकरे 3 द वैक्सीन वॉर और इन दोनों ही फिल्मों को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर स्कंदा और दोस्तों तमिल फिल्म चंद्रमुखी 2 भी रिलीज हो चुकी है और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों को भी ऑडियंस काफी अच्छा रेस्पॉन्स देती हुई नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम इन चारों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं दोस्तों यहां पर फिल्म जवान के अभी तक के टोटल के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इन फिल्मों का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे, बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट चाहते हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं फिल्म द वैक्सीन वॉर बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज लगभग 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों इस फिल्म के लीड में आपको नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, रायमा सेन और अनुपम खेर जैसे बेहतरीन एक्ट्रेस नजर आने वाले हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो कि दोस्तों इससे पहले द कश्मीर फाइल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बना चुके हैं, उनके ही डायरेक्शन में बनने वाली ये फिल्म एक मेडिकल थ्रिलर फिल्म है जो कि दोस्तों ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, जिसमें कोवैक्सीन का डेवलपमेंट बताया जा रहा है। दोस्तों बताते चले आपको कि पैंडेमिक के टाइम पर जब इंडिया को वैक्सीनेशन की जरूरत थी, उस वक्त पर कोवैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह से डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने काम किया था, उसी के ऊपर यह फिल्म बनाई गई है, जिसका बजट 10 करोड़ रुपए का है। और अगर बात की जाए यहां पर इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों लगभग 1500 स्क्रीन्स पर रिलीज होने वाली द वैक्सीन वॉर को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन रिलीज से पहले ही लगभग 38 लाख रुपए की एडवांस मिल चुकी थी। ऑडियंस की तरफ से दोस्तों इस फिल्म को किस तरह के रिव्यूज मिल रहे हैं यह तो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज मॉर्निंग से 15 से 18% की ऑक्यूपेंसी हासिल की। आफ्टरनून और इवनिंग की इस फिल्म की जो ऑक्यूपेंसी है, उसमें भी लगभग सेम ट्रेंड देखने को मिला। द वैक्सीन वॉर दोस्तों आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर जहां अपने पहले दिन 2.5 से 3 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का अपने पहले दिन का कलेक्शन लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है। वैक्सीन वॉर दोस्तों मात्र 10 करोड़ के बजट से बनाई गई है, यही वजह है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपने बजट की रिकवरी तो कर सकती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट होती है या नहीं यह देखना होगा। बात की जाए दोस्तों यहां पर दूसरी फिल्म, तो दूसरी फिल्म है दोस्तों यहां पर इंडियन सिनेमा की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म चंद्रमुखी, जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने सीक्वल के साथ आज रिलीज कर दी गई है। इस फिल्म के लीड में दोस्तों आपको राघव लॉरेंस और कंगना रनौत की जोड़ी नजर आई है। वहीं दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया है पी वासु ने। बताते चले दोस्तों आपको कि इस हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा भाषा में रिलीज किया गया है, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज 1800 स्क्रीन्स दी गई है। इस तमिल फिल्म को भी दोस्तों ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि दोस्तों अपनी पहली फिल्म की तरह इस फिल्म को रिव्यूज नहीं मिल रहे, लेकिन दोस्तों बावजूद इसके राघव लॉरेंस और कंगना रनौत की ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज ऑडियंस को सिनेमाघरों तक लाने में कामयाब हो रही है। अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो दोस्तों इस फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपनी रिलीज से पहले 3 करोड़ रुपए तक की एडवांस हासिल कर ली थी, जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग एडवांस है। मॉर्निंग से ही दोस्तों ये फिल्म आज 38 से 45% की ऑक्यूपेंसी लेकर ओपन हुई, तो वहीं दोस्तों आफ्टरनून और इवनिंग में भी इस फिल्म को लेकर काफी अच्छी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली। राघव लॉरेंस की दोस्तों ज्यादातर फिल्में कॉमेडी, हॉरर, ड्रामा रहती है और उनकी फिल्मों को ऑडियंस की तरफ से काफी पसंद किया जाता है। यही वजह है दोस्तों कि चंद्रमुखी 2 भी बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को पसंद आ रही है और ये फिल्म भी आज नॉर्मली 10 करोड़ रुपए के आंकड़े को जहां सिर्फ तमिल बॉक्स ऑफिस पर पार कर रही है, तो वहीं दोस्तों इस फिल्म का ऑल ओवर इंडिया से जो टोटल कलेक्शन है वो 15 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर रहा है। लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट से बनने वाली दोस्तों चंद्रमुखी 2 बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन एक सुपरहिट ओपनिंग ले चुकी है। वहीं बात की जाए दोस्तों यहां पर अब तीसरी फिल्म, तो दोस्तों तेलुगु सिनेमा के एनर्जेटिक सुपरस्टार राम पोथिनेनी की मच अवेटेड एक्शन ड्रामा फिल्म है स्कंदा, जिसे कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज ग्रैंड रिलीज कर दिया गया है। और दोस्तों इस फिल्म का डायरेक्शन किया गया है बोयापाती सिरुनु द्वारा।
दोस्तों बताते चले आपको कि बोया पाती श्रीनु जो कि इससे पहले कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं उनके डायरेक्शन में दोस्तों स्कंदा ऑडियंस को पसंद आ रही है और दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड्स बनाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चले कि इस फिल्म में आपको राम पोथीनेनी के अलावा श्रीलीला और भी कई सारे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए के बजट से बनाई गई दोस्तों स्कंदा को आज तेलुगु के अलावा तमिल और हिंदी में भी रिलीज किया गया है लेकिन दोस्तों कुछ ही लिमिटेड स्क्रीन्स पर। लेकिन दोस्तों इन लिमिटेड स्क्रीन्स पर भी यह फिल्म आज अपने पहले दिन राम पोथीनेनी के कैरियर की वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर तो बन ही रही है, साथ ही साथ दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी नए नए रिकॉर्ड्स बना रही है। इस फिल्म ने दोस्तों अमेरिका बॉक्स ऑफिस पर $150,000 के आंकड़े को अभी तक पार कर चुकी है जो कि एक तरह से आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है और यह फिल्म 1,20,00,000 रुपए से ज्यादा की कमाई अमेरिका से कर चुकी है। बाकी के देशों को मिलाकर दोस्तों इस फिल्म का ओवरसीज में अपने पहले दिन का कलेक्शन 4.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रहा है तो वहीं दोस्तों इंडिया से यह फिल्म लगभग 14 करोड़ रुपए की कमाई कर रही है। ऐसे में इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर टोटल 19 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करने में कामयाब हो रहा है और दोस्तों राम पोथीनेनी की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इस साल उनके कैरियर की एक टॉप ओपनर बन रही है। अगर दोस्तों इस फिल्म को ऑडियंस की तरफ से हिंदी में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो उम्मीद है दोस्तों कि यह फिल्म हिंदी में भी अच्छी कमाई कर लेगी। लेकिन दोस्तों इस फिल्म का प्रमोशन हिंदी में उस लेवल का नहीं हुआ है जैसा कि हम सभी ने सोचा था। अगर यह फिल्म हिंदी में अच्छा प्रमोशन कर लेती तो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी ब्लॉकबस्टर बन सकती थी। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या स्कंदा को हिंदी में भी डायरेक्ट रिलीज करके अच्छा प्रमोशन करना चाहिए या नहीं, हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात की जाती है दोस्तों यहाँ पर इस हफ्ते रिलीज होने वाली फिल्म यानी कि दोस्तों फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में जो कि दोस्तों इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस के दिलों ही नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी राज कर रही है। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बताते चलें कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने वाली फुकरे फ्रेंचाइजी की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्मों में से एक फुकरे 3 को आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 2,200 स्क्रीन पर रिलीज कर दिया गया है जिसके लीड में दोस्तों आपको पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा एक बार फिर से हंसाते हुए नजर आने वाले हैं। साथ दिया है दोस्तों उनका इस बार पंकज त्रिपाठी जी ने। दोस्तों बताते चले आपको मृगदीप सिंह लांबा के डायरेक्शन में बनने वाली ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म है और इस फिल्म को भी ऑडियंस की तरफ से अच्छा रेस्पॉन्स मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ दोस्तों क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को इस फ्रेंचाइजी की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म बताया है। यही वजह है कि फुकरे 3 जहां इंडियन बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन 8 से 9 करोड़ रुपए के आंकड़े को आसानी से टच कर रही है और उम्मीदें हैं कि शाम को दोस्तों इस फिल्म की जो कलेक्शन है वो लगभग 10 करोड़ रुपए के भी आंकड़े को टच कर ले। तो वहीं दोस्तों दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर भी इस फिल्म को अच्छी स्क्रीन मिली है और दोस्तों उम्मीदें हैं कि ये फिल्म ओवरसीज मार्केट में भी आज अपने पहले दिन 4 से 5 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले। फुकरे फ्रेंचाइजी दोस्तों ऑडियंस के दिलों में पहले ही काफी अच्छी जगह बना चुकी है और दोस्तों जिस तरह का रेस्पॉन्स आज इस फिल्म को इंडियन ऑडियंस की तरफ से मिल रहा है उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आज एक बढ़िया ओपनिंग ले लेगी। फिलहाल में दोस्तों फुकरे 3 आज अपने पहले दिन इंडिया में जहां 8 से 9 करोड़ और दुनिया भर में 13 करोड़ रुपए के आंकड़ों को पार करती हुई नजर आ रही है तो उम्मीदें हैं दोस्तों कि ये फिल्म भी 100 करोड़ के क्लब में जल्द ही शामिल होगी। आपको दोस्तों ये फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात कर लिया दोस्तों यहां पर शाहरुख खान की फिल्म जवान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एटली कुमार के डायरेक्शन में बनने वाली एक्शन थ्रिलर फिल्म है जवान जिसको इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 7 सितंबर को लगभग 5,500 स्क्रीन पर हिंदी तमिल और तेलुगु में रिलीज किया गया था तो वहीं दोस्तों ये फिल्म दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 10,000 स्क्रीन पर रिलीज की गई थी। अपने पहले ही दिन 75 करोड़ रुपए की धमाकेदार ओपनिंग लेने के साथ ही जवान को दोस्तों ऑडियंस की तरफ से शानदार रेस्पॉन्स मिला और सिर्फ 3 ही दिनों में यह फिल्म ऑल ओवर इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई तो वही दोस्तों सिर्फ अपने 5 ही दिनों में 300 करोड़ फिल्म बन गई। अगर बात की जाए इनकी फिल्म के अभी तक के टोटल की तो दोस्तों अपने पहले हफ्ते में 389 करोड़ से ज्यादा की कमाई इंडियन नेट बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी। जवान ने अपने दूसरे हफ्ते में 136 करोड़ रुपए कमाए। अपने तीसरे वीकेंड में इस फिल्म के जो कलेक्शंस थे उसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिला और दोस्तों इस फिल्म ने तीसरे वीकेंड में 35 करोड़ रुपए की कमाई के साथ ही बॉलीवुड इतिहास की पहली 550 करोड़ फिल्म भी बन चुकी थी और ऑडियंस के दिलों पर राज कर रही थी। दोस्तों बताते चले आपको कि जवान ने जहां अपने 20 दिनों तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 571 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर दिया था जिसमें दोस्तों इस फिल्म ने हिंदी में ही लगभग 511 करोड़ रुपए कमा लिए थे तो वहीं दोस्तों तेलुगु तमिल के कलेक्शंस लगभग 60 करोड़ रुपए के थे। कल दोस्तों इस फिल्म ने अपने 21वें दिन 5,10,00,000 रुपए का शानदार होल्ड किया है जिससे कि इस फिल्म का टोटल 576 करोड़ रुपए का हो चुका है। लेकिन दोस्तों आज इस फिल्म के सामने 3 से 4 बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी है। हिंदी में भी दोस्तों द वैक्सीन वॉर और फुकरे 3 आ चुकी है। इस फिल्म की जो एडवांस वो आज अपने 22वें
वैक्सीन के लिए भी लगभग 48 लाख रुपए की है, जो कि दोस्तों द वैक्सीन वॉर के आज अपने पहले दिन के एडवांस से ज्यादा है। यह फिल्म दोस्तों आज अपने 22वें दिन एक बार फिर से जहां 3.5 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच करती हुई नजर आ रही है, जिससे कि इस फिल्म का टोटल 579 से 580 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर चुका होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, जवान हिंदी में कितने करोड़ की कमाई करेगी और इस फिल्म का जो लाइफ टाइम है वो ऑल ओवर इंडिया से क्या 650 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर पाएगा या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।